वो कैसा है, कहां है, कैसे मिलता है, किसने देखा है? ये प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर पुनात्मो लागी का मार्ग और है लग चोट काल जा कर के लागी का मार्ग और लग चोट काल जा कर के लग करके लागी का मार्ग और है लग चोट काल जा करके बन बीच बरतरी भूप ने एक मारा ताण निशाना बन बीच बरतरी भूप ने एक मारा ताण निशाना कोई घड़ी सदी थी आवन की साधु का हो गया आना कोई घड़ी सदी थी आवन की साधु का हो गया आना कोई मुआ मर्ग जवा दियो नत तार धरो ने बाणा कोई मुआ मर्ग जवा दियो नत तार धरो ने बाण वो जीवित कर दिया ढोर था शिष बण्या परीक्षा करके शिष बण्या परीक्षा करके शिष बण्या परीक्षा करके लागी का मार्ग और है लग चोट काल जा करके लग चोट काल जा करके लग चोट काल जा करके लागी का गोपी चंद योगी हो गए जिन ले लिया भगमा बाणा गोपी चंद योगी हो गए जिन ले लिया भगमा बाणा गुरु महल जनान भेजते डोडी में अलख जगाना गुरु महल जनान भेजते डोडी पे अलख जगाना व्यंजन छतीसों छोड़ के भिक्षा का भोजन खाना व्यंजन छतीसों छोड़ के भिक्षा का भोजन खाना तन पड़ गया कमजोर था ना खाया उधर भर के ना खाया उधर भर के ना खाया रे उधर भर के लागी का मार्ग लगे चोट काल जा कर के लगे चोट काल लागी का मार्ग और है लग चोट काल जा करके बाजीद कहे उठाओ ऊंट को लोग कहें ये मुआ बाजीद कहे उठाओ ऊंट को लोग कहें ये मुआ उठन आड़ी चीज रही ना गया उड़ सलानी सुआ रही उठन वाली चीज नहीं गया उड़ सलानी सुआ कुछ नकसक बिगड़ा है नहीं बाजी दा असरज हुआ कुछ नकसक बिगड़ा है नहीं बाजी दा असरज हुआ जिन करा अचंबा गोर है तजा राज काल से डर के तजा राज काल से डर के तजा राज काल से डर के लागी का
लागे चोट काल जा करके, लागे चोट काल जा। और है लागे चोट, सुल्तानी मगन बैराग में जिन तज दिया बलख बुखारा। सुल्तानी मगन बैराग में जिन तज दिया बलख बुखारा। कदे पालकियों में चालते अज ठा लिया गोदड़ वारा। कदे पालकियों में चालते अज ठा लिया गोदड़ वारा। सब संगी छोड़ी रोवती रोवे था कुणबा सारा। सब संगी छोड़ी रोवती रोवे था कुणबा सारा। शोर मचारण वास में ना देख्या पीछा फिर के, ना देख्या पीछा फिर के, ना देख्या र पीछा फिर के। लागी का लगे चोट काल जा करके, लागी का कुए में शेख फरीद ने किसी मीठी बोली बासा। कुए में शेख फरीद ने कैसी मीठी बोली बासा। तुम चुन चुन कागा खाली और मेरे हाड़ों पर का मासा। तुम चुन चुन कागा खाली और मेरे हाड़ों पर का मासा। मेरे दोने नामत छेड़ियो मोहे राम मिलन की आसा। मेरे दोने नामत छेड़ियो मोहे राम मिलन की आसा। जिन करी तपस्या गोर थी वो होए आसरे अर्के, वो होए आसरे हरके, वो होए रे आसरे अर्के। लागी का मार्ग और है, लागे चोट काल जा करके, लागे चोट काल जा करके, लागे चोट काल जा करके। लागी का मार्ग भाई पीपा दरिया में कूद गया जिन कैसी करी डिठाई। पीपा दरिया में कूद गए रजिन कैसी करी डेठाही। वो नर पाड़ा जीत गए जिन सिर धड़की रवाजी लाई। वो नर पाड़ा जीत गए जिन सिर धड़की बाजी लाई। कै मंगलानंद चेतियो तुम सोच समझ मेरा भाई। कै मंगलानंद चेतियो रे कुछ सोच समझ मेरा भाई। बिन चेते यू झूठा सोर है कुछ जाइयो सुकर्म करके, कुछ जाइयो सुकर्म करके, कुछ जाइयो रे सुकर्म करके। लागी का मार्ग और है, लागे चोट काल जा करके, लागी का लागे चोट काल जा करके, लागे के लागी का मार्ग और है, लागे चोट काल जा करके। अपना आत्माओं अपरमात्मा प्रेरणा करते हैं सभी बाप पुण्य आत्माओं को कि ये मानुष जीवन केवल परमात्मा प्राप्ति के लिए ही प्राप्त हुआ है और इसको अंतिम श्वास तक परमात्मा की भक्ति में लगाकर ही सफल किया जा सकता है। किसी भी सदग्रंथ को, किसी भी परमात्मा प्राप्त महापुरुषों की वाणी को आप पढ़ोगे, देखोगे, सुनोगे, उससे आपको यही पता चलेगा कि इस भक्ति को, इस साधना को आपने अंतिम श्वास तक करना है। अब जैसे कल प्रसंग चल रहा है, ये तीन कंसेप्ट क्लियर होए बिना हम परमात्मा प्राप्ति नहीं कर सकते। नंबर एक, परमात्मा पहचान के कौन है वो भगवान, और दूसरा ये है कि उसका कहाँ है प्रमाण, जिसको आप जी परमात्मा सिद्ध करने की चेष्टा कर रहे हैं उसके प्रमाण कहाँ है, और तीसरा समाधान।
समाधान भी पूरा हो, फिर उसको प्रदान करने वाला अधिकारी संत हो। जैसे एक आप व्यवहारिक की सांसारिक व्यवहारिक क्रियाओं में देख लीजिए, जैसे कोई दूसरे देश में जाना चाहता है तो पासपोर्ट बनवाते हैं। यदि वो पासपोर्ट बनाने वाला डुप्लीकेट हो तो आपका काम तो सारा ही खराब हो गया, आपकी भी सजा, बनाने वाला तो जाना ही, सजा उसको तो होनी होनी है। तो इसी प्रकार ये अधिकारी के बिना ये मंत्र दिए हुए काम नहीं करे, नहीं तो वो महापुरुष भी पहले बता सकते थे इन मंत्रों को। उनको मालूम था कि इन काल के दूतों को ये नाम हाथ लग जाएंगे, सतनाम 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 करके उसके कोड वर्ड से महापुरुषों ने डंडोरा पीट दिया। इन नकली संतों ने सतनाम सतनाम घोट लिया। अब सतनाम तो वो ही है, जैसे ये तो संकेत संकेत है, सांकेतिक सच्चे नाम की तरफ, क्यों सच्चा नाम हो। अरे नकली संतों ने, पंथों ने, राधा स्वामी, धन धन सतगुरु, सच्चा सौदा सिरसा वालों ने इन सतनाम कहे ना, पता नहीं कहे वो सतनाम। सतलोक को भी सतनाम कहते हैं, सार शब्द भी सतनाम, सतपुरुष भी सतनाम, और सत सत शब्द भी सतनाम, ये असली राम भी सतनाम, और सतलोक भी सतनाम। और ये एक नाम जप है वो भी सतनाम, पांच नामों में ओंकार, जो ओंकार अरंकार ज्योति निरंजन सोम और सतनाम, इनको सतनाम का नहीं पता। परमात्मा ने यूँ खेल खेलना था कि नकलियां का हाथ लग गया तो नाश हो जाएगा इस बात का, ये सारे भक्त रह जाएंगे। और फिर कैसे पहचान बताते ये नकली, ये नाम गलत दे रहे हैं। अगर नाम इनके पास ये होता तो कदे भी ना सूतना हो या बात, क्योंकि ये वो ये कहते हैं हम भी तो वही, हमारे गुरु जी भी तो यही नाम दे रहे हैं। और अब ये स्पष्ट हो गया कि पांचों नाम काल के जानो, वो पांचों नाम काल के तो ये पुण्यात्मा, वो भगत, वो भी परमात्मा के बच्चे हैं जो नकलियां फंस गए। अब उनके लिए ये प्रयत्न हो रहा है पुण्यात्मा जो गलत स्थान पर चले गए, और आप जी यहां पहुंच चुके हो। आपकी किस्मत को मैं किन शब्दों से सराहूं, मेरे पास शब्द नहीं। धन्य आपके माता पिता जिनसे जन्म हुआ, सत्कर्मा लेना। लख पर सूरा जूझ ही लख पर सावत दे, लख पर यति जहान में तब सतगुरु शरणा ले। आप इतने पुण्यात्मा रहे हो युग युगों में जन्म जन्मांतरों में, लेकिन रास्ता नहीं मिला। जैसे आदरणीय नानक साहिब जी सतयुग में वो अम्बरीश राजा थे, इतनी पुण्यात्मा थे, राज भी करते थे लेकिन भगवान का नौकर समझकर अपना राज करते थे। परमात्मा के जो जनता थी उसको परमात्मा के बच्चे जानकर उनका पालन पोषण करते थे, स्वयं बहुत जबरदस्त भक्ति करते थे, जिसके सामने दुर्वासा जैसे सिद्ध पुरुष भी फिट्टे मुंह होकर गए थे जो केवल सिद्धियां कमाते थे, लेकिन वो भक्ति केवल विष्णु जी की करते थे। त्रेता युग में वही आत्मा फिर राजा जनक हुए, बहुत भक्ति करते थे, बड़े यज्ञ किए, बहुत से धर्म किए, सौ सौ मन घी के कई यज्ञ किए, और फिर वही अपना पुण्य समाप्त करके फिर नानक जी बने। और पहले तो उन राजा बने थे तो उनके नौकर रहते थे, अब स्वयं नौकर लगे नवाब के यहाँ पर एक पेट के लिए, और उन अच्छी आत्मा को फिर परमात्मा मिलते हैं। कहते हैं लख बरसूरा जूझ ही लख बरसावत दे, लख बर यति जहान में तो सतगुरु शरणा ले। ऐसी पुण्यात्माओं को ढूंढते फिरते हैं भगवान, तो उनमें से आप भी आज एक हो जो यो नाम आपको मिल गया, सतनाम सतकर्माना। अब इन महापुरुषों का इतिहास तो भगवान ने बता रखा है कि ये राजा थे, फिर एक नौकर के रूप में रह रहे थे, वही उसी तरह आज आप हैं। आप पहले बहुत अच्छी पुण्यात्मा रहे हैं, राजा भी रहे हो, इंद्र की पदवी भी प्राप्त की, आप बहुत देवता भी बने, राज फिर घसियारे, क्यों पुण्य खत्म हो गए, ये लूट कर फिर वापस भेज देता है। तो अब हमने अपनी इस भक्ति को सुरक्षित रखना है, यहाँ व्यस्त व्यर्थ नहीं करना, ना किसी को आशीर्वाद देना, ना शर्पा धरना, नहीं तो आपकी भक्ति समाप्त होने लग जाएगी, पंचर हो जाएगा आपकी राम गाड़ी, राम नाम की गाड़ी में, ये पंचर नहीं करना। हमने यहाँ से बचा कर अपना सतलोक चलना है, अपने भाइयों को, बहनों को, रिश्तेदारों को, माता को, पिता को, सबको राम नाम पर लगा दो, अपना अपना पंप दो, अपने अपने टायरों में खुद हवा भरेंगे, एक टायर से दूसरे के टायर में हवा कितनी भर के दोनों खराब कंडम हो जाएंगे। तो इस प्रकार हमने इन साधनाओं को अपना बचा के रखना है और सफल करना। अब जैसे सबसे पहले आपको पांच नाम दिए जाते हैं,
ये पांच नाम जो हैं और जो दो नाम इनके साथ फर्स्ट और लास्ट है, ये भी अब ये कंप्लीट कोर्स है, ये अब शुरू हुआ है। पहले केवल पांच नाम दिए जाते थे, परमात्मा स्वयं आए थे वो भी पांच नाम देते थे, केवल कुछ पुण्यात्माओं को छोड़कर उन्होंने किसी को सतनाम और सार नाम नहीं दिया। जो दृढ़ भगत थे कि उसको छुपा रखेंगे, जिक्र नहीं करेंगे, तो उन्हीं को दिया मालिक ने, ना सतनाम नहीं दिया, केवल पांच नाम देते थे। वो पांच नाम कौन से थे? ये अलंकार ओंकार ये नहीं है सतनाम वगैरह, वो आपको प्राप्त है जिनको प्रथम मंत्र मिल गया। तो इसमें पहला और लास्ट वाला मंत्र जो है ये परम पिता का है। ये इसलिए दिया जाता है कि मान लीजिए इस मंत्र के लेने के बाद भी किसी की मृत्यु हो जाती है तो इस सात मंत्रों के जाप करने वाले को तुरंत मानव शरीर प्राप्त हो जाएगा। वैसे तो इस नाम के लेने के बाद मृत्यु होती नहीं, लेकिन नियम टूट जाता है। क्योंकि हम उन पुरानी मर्यादाओं में गने रंगे जा चुके हैं और हमारा समाज बहुत बड़ा है, हमारे इस मार्ग को नियम को कोई ना कोई भंग करवा ही देता है मजबूरी के कारण किसी लोक लाज में, तो फिर हानि हो जाती है। यदि प्रारंभ में ही दृढ़ हो जाए जैसे नानक साहिब जी की तरह, और ये जितने महापुरुष हुए उन्होंने कहा कि लोक लाज मर्याद जगत की तरण जो तोड़ बगावे जब कोई राम भगत गत पावे। परमात्मा कहते हैं लोक लाज ना कीजिए निर्भय हो रही है, ये मन संतों दीजिए तो गोविंद पाइए। तो इस प्रकार यदि हम दृढ़ होकर प्रारंभ में आ जाएंगे तो ये दोनों मंत्रों का साथ जाप करने से काल अटैक नहीं होता और कोई ऐसी दिक्कत नहीं आती। लेकिन फिर किस कारण से मर्यादा भंग हो जाती है, नाम दोबारा जुड़ने नहीं मिलता है, उस दौरान यदि मृत्यु भी हो जाती है तो तुरंत मनुष्य जीवन मिलेगा आपको। अब ये इसलिए क्यों प्रारंभ किए और पहले क्यों नहीं किए कि पहले अगर ये सात मंत्र दिए जाते तो मान ले तुरंत नाम मनुष्य का जीवन मिल भी जाता तो लाभ क्या होता। वो पांच मंत्र जो बीच के आपको दिए हैं इनसे आपको बहुत संसारिक सुविधाएं और धर्म पुण्य या ये साधनाएं परमात्मा ने बताई यज्ञ, इनके करने से आपको इतने पुण्य होते रहे कि मनुष्य जीवन जैसे ये पूरा किया फिर मनुष्य जीवन फिर पूरा किया फिर मनुष्य जीवन, तो आपको मनुष्य जीवन मिलते हुए आ रहे थे। परमात्मा आपको चार्ज कर गए थे, आशीर्वाद दे देकर भी आपको चार्ज किया जाता है, वो भगवान भक्ति से आपको ओत प्रोत कर गए थे, लेकिन जन्म मरण वाली मार्ग नहीं मिला, छूटने वाला मार्ग नहीं मिला था, तो उसके लिए उस समय वो समय नहीं था। अब ये समय है वो आपको सही कंप्लीट नाम देने का। तो अब ये सात मंत्र इसलिए दिए जाते हैं कि किसी कारण से मृत्यु हो जाती है तो तुरंत मनुष्य जीवन मिलेगा, अभी छह एक साल के अंदर वापस आ लेगा वो व्यक्ति और मनुष्य जन्म लेगा, भगत के घर जन्म होगा। अब तो ये वो क्या कर रहे ना चाक चढ़ रहा है तो आगे तुरंत फिर नाम पर लग जाएंगे और अब एक के दो जीवन में वो पुण्यात्मा पार हो जाएंगे और दो दो जीवन भी नहीं लगेंगे यदि आपको विश्वास पूरा हो जाता है। परमात्मा कहते जीवन तो थोड़ा ही बला जो सत सुमरण हो, लाख वर्ष का जीवन आलेख रहनी को। तो ऐसा नहीं कि दो तीन जन्म अवश्य लगेंगे, नहीं, आप इसी जन्म में इन मर्यादाओं का पालन करते हुए इस ज्ञान को आधार बनाकर, ज्ञान के आधार से आप जी का मन यहां से कति भर जाना चाहिए इस लोक से, तो समझो आप पार होगे। आपका यहां से नफरत हो जानी चाहिए, यो के जीवन है, आज मनुष्य जीवन है कल मृत्यु होगी, सब दरे दराया रह गया, जिसको सारी उम्र जोड़ा रखा और जिसको अपना माना, काया तेरी है नहीं है माया कहां से हो, नंगा आया जगत में नंगा ही तू जा, बीच में ख्वाबी ख्याल है ये मन माया भरमाया। तो जब आपको ये पक्का विश्वास हो जाएगा तो आपका मन यहां से कति भर जाएगा, पुनर्जन्म की कति इच्छा हृदय से हट जाएगी और भक्ति डटका आप कर ही रहे हो क्योंकि इतना जबरदस्त मंत्र आपको मिल गया सतनाम का, ये दो अक्षर का, इसकी एक श्वास की कीमत, ये श्वास उस श्वास से सिमरण करना होता है प्राणों से, जैसे नानक साहिब जी ने अपनी प्राण संगली बनाई, उसको उसका नाम इसीलिए प्राण संगली रखा है कि वो श्वास के सिमरण का भेद था उसमें। और इसको ये लिखा है कि ये मेरी देह है, ये मेरे शरीर है मेरा,
इसको खराब ना करना, आम आदमी को मत देना, आदर से रखना। उनका भाव ये था कि समय आने तक इन सदग्रंथों को जीवित रखना है, और फिर संत आएगा, परमात्मा का दास ये भेज दिया इनको, सबको समझ के समझा के आपको कोडवर्डों को और रहस्यों को समझा के आपको रास्ता देगा, वो धन बताएगा भगवान का, तो आपका मोक्ष हो जाएगा। जैसे ये सदग्रंथ हमारे आदरणीय हैं, इनमें खजाना भरा पड़ा है, और महात्मा इसमें लिख कर चले गए कि आम आदमी का चोर चेक गाथ ना लग जा, कहीं धन काट ले चुरा ले जाता, तो इसको भेदी ही बता सकता है। जैसे श्रीमद् भगवद गीता, पवित्र वेद, पवित्र कुरान शरीफ, पवित्र बाइबल, पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब, ये सदग्रंथ हैं, इनमें महापुरुषों ने कोड वर्डों में खजाने भर रखे, और ये आम व्यक्ति या इसको उनका अनुयायी नहीं समझ सकता। जैसे एक सेठ मर गया, उसकी मृत्यु होगी और उसने अपनी बही में डायरी में लिख रखा था, जहां उसने धन दाब रखा था, उसमें लिख रखा था कि चांदनी चौदस रात्रि के 12 बजे मंदिर के गुम्बज में इतने इतने किलो चांदी, इतने तोड़े सोना, इतने रुपये दबा रखे हैं। उसमें क्या था कि उस सेठ के आंगन में, प्रांगण में एक मंदिर था, अपना ही बनाया हुआ था उसका, वहां इस करके उस मंदिर का भी जिक्र किया उसने। उसकी मृत्यु के बाद उनके पुत्रों ने पिता के लिखे हुए लेख पैड को, डायरी को पढ़ा, उन्होंने उसके आधार से जैसा उन्होंने सोचा समझा, उसको गुम्बद फोड़ दिया मंदिर का। वो गुम्बद फोड़ देने से उसमें कुछ नहीं मिला, उन्होंने सोचा पिताजी ने तो बहुत गलत लिख दिया, कहाँ कहाँ लिख गए, संकेत गलत दे दिया, हाय धन मिला नहीं, लुट गए, पिट गए, बुरा हाल हो गया। अब उनके पिता का एक मित्र धनी सेठ वहां पर आया शोक व्यक्त करने के लिए, उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि हमारे पिताजी ने तो गलत लिख दिया, धन हमें मिला नहीं जहाँ उन्होंने लिखा था, और बहुत धन लिखा हुआ है, हम तो लुट गए, पिट गए, हाहाकार मच गया। तो उस सेठ ने कहा कि मुझे वो डायरी दिखाओ, वो डायरी उसको दिखाई गई। अब वो समझ गया कोड, क्योंकि उसके जानकार ही वेदी ही समझेगा। कहते हैं कि वस्तु कहाँ खोजे, कहाँ किस विध लागे हाथ, एक पलक में पाई यो वेदी ले लो साथ। उनके उस पिता के मित्र ने कहा बेटा इस मंदिर के गुम्बज को यथावत बनवा दो, फिर तुम्हें वो खजाना मिलेगा। उन्होंने यथावत बना दिया, वो गुम्बज न्यों का न्यों बनवा दिया, फिर कहा कि जब मैं आऊंगा फिर वो धन उस दिन मिलेगा। अगली चौदस चांदनी चौदस को, यानी शुक्ल पक्ष की चौदस के दिन वहां पहुंच गया सामने, और रात्रि के 12 बजे जहां उस मंदिर के गुम्बज की छाया उनके आंगन में थी चांद की रोशनी में, वहां निशान लगाया। सेठ ने कहा बेटा यहाँ खोदो, वहां खोदा तो ज्यों का त्यों पा गया। तो पुण्यात्मा ये सदग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब, गीता जी और ये वेद और पुराण कुरान, ये आप अनुयायियों के समझ में नहीं आ सकता, आप तो बालक हो। इस दास को भेज दिया धन को बताने और खोद कर निकलने के लिए, आओ नाम लो, सतनाम लो, बेड़ा पार करवाओ, बोलो सतगुरुदेव। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्व सृष्टि रचनहार कबीर परमेश्वर जी की असीम कृपा से आप जी को सत्संग सुनने को प्राप्त हुआ। परमात्मा वो पूर्ण ब्रह्म सर्व सृष्टि रचनहार हम सभी आत्माओं के पिता हैं, वही हमारी माता है। तुमेव माता च पिता तुमेव, तुमेव बंधु च सखा तुमेव, ये वही परमेश्वर है जिसमें ये सब गुण विद्यमान है। हमारा सच्चा साथी, हमारा हमारी माता और पिता यही है। इसी कारण से वो परमेश्वर हमारे लिए यहाँ इस काल के लोक में आता है, और काल हमें अधिक से अधिक कष्ट दे रहा है,
परमात्मा को सताने के लिए, क्योंकि हम उनकी संतान हैं। किसी की संतान दुखी होती है तो माता पिता भी साथ दुखी हुआ करते हैं, वो साथ दुखी होते हैं माता पिता। इसी उद्देश्य से परमात्मा यहाँ आते हैं और हमें इस काल के इस सुनियोजित षड्यंत्र से परिचित कराते हैं। उसके लिए हमारे को तत्व ज्ञान प्रदान करते हैं, जिसको सूक्ष्म वेद बोलते हैं। फिर हमें याद दिलाते हैं कि जिन क्रियाओं को करते करते तुम प्राण त्याग जाते हो, जिस संपत्ति को संग्रह करते करते आप अपना पूरा जीवन न्योछावर कर देते हो, वो आपके साथ नहीं जाता। तो आपके साथ जो जाए वस्तु वो कौन सी है? दिया लिया तेरे संग चलेगा, दरिया डक्या रह जावेगा। कहे कबीर सुनो भाई साधो, करनी के फल पावेगा। के दिया लिया तेरे संग चलेगा, दरिया ढक्या रह जावेगा। लेना क्या है और देना क्या है? राम का नाम लेना है, सच्चे नाम का सतनाम का जाप करना है, और देना दान है। तो ये दिया लिया तेरे संग चलेगा, धरा ढक्या रह जावेगा, जो आप सारे जीवन में जो जोड़ जोड़ कर रखते हो ये यहीं रह जाएगा। इसके संग्रह करने में जो पाप आपने किए वो आपके साथ चले जाएंगे। ये धन नहीं जाता, ये संपत्ति नहीं जाती। पुण्यात्माओं, परमात्मा की असीम रजा है आपके ऊपर। आपको मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ इस समय में, ये वो समय है, शायद बहुत ही युगों के पार, बहुत ही जन्म जन्मांतरों के बाद आपको प्राप्त होता है ये समय आपका मनुष्य जीवन। इस समय में सभी प्राणी पार होंगे जो इस सतनाम से जुड़ जाएंगे, इस दास से उपदेश लेकर मर्यादा में रहते हुए भक्ति करेंगे। और पार होकर के कहां जाएंगे? हम उस स्थान पर जाएंगे जहां कभी जन्म मृत्यु नहीं होती। अभी तक सतलोक सचखंड की महिमा बताने वाले ये नकली पंथ, राधा स्वामी पंथ, जय गुरुदेव पंथ, दिनोद वाला ताराचंद पंथ और ये धन धन सतगुरु सच्चा सौदा सिरसा और जगमाल वाली पंथ, दिल्ली वाला या ठाकुर जी वाला पंथ और राजेंद्र सिंह यानी दर्शन जो कृपाल सिंह जी वाला पंथ, आगरा वाला पंथ, व्यास वाला पंथ, राधा स्वामी से संबंधित हुआ, ये सतलोक की महिमा सुनाते हैं। और सतलोक जाने का भी ये दावा करते हैं, लेकिन इनको यही नहीं पता कि वो सतलोक है क्या चीज, वहां पर क्या व्यवस्था है और कौन सा वो साधन है जिससे हम सतलोक जा सकते हैं। इन सभी से ये अपरिचित है, लेकिन सुनी सुनाई बातों को परमात्मा कबीर जी की वाणी से, वाणी चुरा कर ज्ञान चुरा कर ये पंसारी बन गए हल्दी की गांठ प्राप्त करके। ये पांचों नाम काल के देते हैं, ओंकार रंकार ज्योति निरंजन और सोहम और सतनाम
परमेश्वर कबीर जी की वाणी से करने नो दीदार महल में प्यारा है, उससे इन्होंने ये मंत्र निकाल लिए। और परमात्मा बहुत दयालु है, इन नकलियों को उलझाए रखने के लिए परमात्मा ने ये एक्स्ट्रा मंत्र और उस शब्द के अंदर उनका वर्णन कर दिया, जबकि वास्तविक मंत्र भी उनके अंदर है। अब ये उनके समझ में ना आई कि ये है वो मंत्र, जो पांच मंत्र है वो भी उस करने नो दीदार महल में प्यारा है उसके अंदर है ये पांचों मंत्र जो ये दास आपको देता है। लेकिन वो ना उठाकर इन पांचों काल के सेलेक्ट कर लिए। काल तो ये चाहता है कि ये वो नाम जाप करें जिससे मेरे मुख में रह जाए, मेरे लोक में रह पार ना हो, और वो प्रत्यक्ष प्रमाण इनके इतिहास में है, राधा स्वामी के इतिहास में। पुण्यात्मा मोक्ष होगा नाम से और पूरे गुरु से प्राप्त करके, नकली गुरुओं से भी नाम लिया हुआ काम नहीं करा जाए। जो सही नाम भी अगर कोई डुप्लीकेट संत अन अधिकारी इसका नाम जाप देता है, उपदेश देता है, तो यूजलेस है वो। इस 21 ब्रह्मांड में इस सतनाम का दान करने का इस दास के अतिरिक्त वर्तमान में किसी को आदेश नहीं है। और सार नाम की तो इनका बेनक भी कोनी, सपने में भी ना इनको पता। तो कहने का भाव यह, परमात्मा ने कहा था कि सोहम शब्द हम जग में लाए और सार शब्द हमने गुप्त छिपाया। नामा छिपा ओम तारी, पीछे सोहम भेद बिचारी, सार शब्द पाया जद लोई, आवागमन बहुड़ नहीं होई। आदरणीय नामदेव जी ये छिपी जाति के अंदर बड़े महान आत्मा हुए हैं। ये पहले ओम नाम का जाप करते थे, ओम नाम के जाप से और पूर्व संस्कारों से इन्होंने मृतक गऊ को भी जिंदा कर दिया था, पत्थर की मूर्ति ठाकुर जी की मूर्ति को दूध पिला दिया था, लेकिन मोक्ष नहीं होना था। वो दयालु परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सत्य पुरुष कबीर साहब उनको मिले, फिर उनको सोहम मंत्र का भेद बताया कि केवल ओम नाम से बात बने नहीं भगत। कहते नामा छिपा ओम तारी, पहले ओम की तारी माने लो लगा रहा था उसमें, और पीछे सोहम भेद बिचारी, बाद में पता चला दूसरे मंत्र का। फिर कहते हैं सार शब्द पाया जद लोई, आवागमन भौर नहीं होई। इसके बाद फिर सार नाम दिया जाता। अब आपको दिखाते हैं राधा स्वामी पंथ के वो मंत्र जो पांचों काल के हैं। अपने आत्मा दास के इस परोपकारी प्रयत्न को कृपया आलोचना ना समझे, एक महा उपकार समझे इस मानव जाति के ऊपर। जैसे सरकार ने एक बार वो डुप्लीकेट 500-500 के नोट, किसी व्यक्ति ने 500-500 के नोट डुप्लीकेट छाप कर दुनिया को ठग रहा था, जब सरकार को ज्ञान हुआ तो ओरिजिनल और डुप्लीकेट दोनों के दोनों सामने दिखाए थे, टीवी पर भी, समाचार पत्रों के माध्यम से भी, और उनका भिन्नता बताई थी कि ये डुप्लीकेट ऐसा है, ओरिजिनल में ये ऐसा होता है। और कोई ये कहे कि सरकार तो आलोचना करती है तो वो या तो भांग पी रहा होगा या उस ग्रुप का होगा जो डुप्लीकेट नोट बना के दुनिया को ठग रही है। तो दास के इस प्रयत्न को या तो वो लोग ये कह सकते हैं कि ये आलोचना करते हैं जिनकी दुकानें बंद होने के कागार पर आने वाली हैं,
या वो कह सकते हैं जो अनजान कति सत्संग सुनते ही नहीं। पुण्यात्मा, हम तभी तो उस वस्तु को परित्याग करेंगे, उस वस्तु को त्यागेंगे जो हानिकारक है। जब तक हम उसको हानिकारक नहीं मानते तब तक हम उसके साथ चिपके रहते हैं। और अब दास आपको दिखाएगा कि इन ये डुप्लीकेट मंत्र ये हैं जो काल के जाल में रखते हैं, ओरिजिनल मंत्र ये हैं जो जिन महापुरुषों ने ये मंत्र प्राप्त हुए वो पार हो गए, और वो जो पार हुए वो मंत्र वो संत उनको ये भी मानते हैं राधा स्वामी और ये सच्चा सौदा वाले कि ये वास्तव में पार हुए हैं, और उन्हीं की वाणी का समर्थन भी लेते हैं अपने सत्संगों में। किन किन का? आदरणीय धर्मदास साहेब जी बांधोगढ़ वाले का, इनके प्रमाण भी लेते हैं। आदरणीय मलुकदास साहेब जी, आदरणीय नानक साहेब जी सिख धर्म के प्रवर्तक माने जाते हैं, आदरणीय दादू साहेब जी, आदरणीय गरीबदास साहेब जी गांव छुड़ानी जिला दद्दर हरियाणा भारतवर्ष वाले, आदरणीय घीसादास साहेब जी गांव खेखड़ा जिला मेरठ उत्तर प्रदेश भारत वाले, इन महापुरुषों को ये मानते हैं कि इनको मोक्ष प्राप्त हुआ, और इनकी वाणी का समर्थन भी लेते हैं, इनका प्रमाण भी देते हैं। मूर्ख बनाने के लिए कहते हैं कि वही सतनाम नानक साहेब जी ने जाप किया, कि जैसे नानक साहेब जी ने जाप किया कि तू ही एक निरंकार और सतनाम सतनाम कति ये जाप किया, सतनाम और एक तू ही निरंकार, ये उनका सतनाम था। और हमारा सतनाम कौन सा है? राधा स्वामी। हमारा सतनाम राधा स्वामी, और फिर सतनाम सतलोक है, सतपुरुष भी सतनाम है, सचखंड भी सतनाम है, सार शब्द भी सतनाम, और फिर ये पांचों नाम काल के जाप करते हैं। अब देखिए इसके विषय में, जिस महापुरुष को ये ज्यादा महत्व देते हैं, श्री तुलसीदास जी हाथरस वाले को, और उनका बहुत सा ये प्रमाण देते हैं। अब उन्होंने क्या बताया इन पांच नामों के विषय में, देखिए इन्हीं के शब्दों में घट रामायण तुलसी साहेब हाथरस वाले के, बेल बीडियर प्रिंटिंग वर्क्स इलाहाबाद से छपी है, भाग एक सतगुरु तुलसी साहेब हाथरस वाले की रची हुई यह ग्रंथ दो प्रमाणिक लिपियों का मिलान करके बड़ी शुद्धता से दो भागों में पूरा पूरा छापा गया है जीवन चरित्र सहित। ये देखो इसके 27 पृष्ठ पर, ये 27 पृष्ठ पे भेद पिंड और ब्रह्मांड का, अंतर गुफा तहां चल जाऊं तां साहिब के दर्शन पाऊं, पांचों नाम जीव जब भाखा और छठवा नाम गुप्त कर रख्या, पांचों नाम काल के जानो तब दानी मन शंका आनो, निर्गुण निराकार निर्वाणी धर्मराय यो पांच बखानी, जीव नाम निज कह बेचारी जान बूझ दानी झकमारी, पांचों नाम काल के जानो तब दानी मन शंका आनो, पांचों नाम जीव जब बाख्या छठवा नाम गुप्त कर रख्या। अब इन्हें छठवें नाम का पता ना, ये पांचों नाम काल के रंकार ओंकार ज्योति नरेंद्र सोहम और सतनाम, अब यहां देखो, दानी सुन विधि बात हमारी, हम चल जाऊं पुरुष दरबारी, सुरत नृत ले लोक सिधाऊं, आदि नाम ले काल गिराऊं, सत नाम ले जीव उभारी, अस चल जाऊं पुरुष दरबारी। अब ये सतनाम और यो आदि नाम, इससे मोक्ष होगा।
ये सतनाम दो अक्षर का है, जिसमें एक ओम है और एक तत् सांकेतिक है, और ये सार नाम है आदि नाम। इनसे मोक्ष होगा जो राधा स्वामी वालों के पास नहीं है। राधा स्वामी वाले और ये सच्चा सौदा वाले ये केवल पांच नाम के जाप करते हैं, पांचों नाम काल के जानो अपने आत्माओं। ये सच्चा सौदा सिरसा जो है ये भी श्री शिवदयाल जी के विचारों से ही अलग हुआ है, वही जो के तुम विचार इनके अंदर है। श्री शिवदयाल जी से श्री जयमल सिंह जी ने उपदेश प्राप्त हुआ, उन्होंने स्वयंभू संत बनकर व्यास के अंदर श्री शिवदयाल जी की मृत्यु के 11 वर्ष के बाद स्वयं ही नाम देना प्रारंभ कर दिया। व्यास नदी के किनारे डेरा स्थापित कर लिया। उनके उत्तराधिकारी हुए हैं श्री सावन सिंह जी। श्री सावन सिंह जी का शिष्य थे बेलोचिस्तानी सामस्ताना, अर्थात श्री खेमामल जी, जिन्होंने सच्चा सौदा सिरसा बेगू रोड पर डेरा स्थापित कर दिया। अपने आत्माओं यानी श्री शिवदयाल जी के ही ये अनुयायी हैं, ये सारा परिवार उन्हीं का है। और श्री शिवदयाल जी ये पांच नाम जाप किया करते, उनको क्या प्राप्ति हुई? बुद्धिमान व्यक्ति को संकेत बहुत होता है, और जरा से भी अकल से काम लेंगे पुण्यात्माएं तो तुरंत त्याग देंगे इस नरक के मार्ग को। आपको दिखाते हैं, देखिएगा जीवन चरित्र। श्री शिवदयाल जी अर्थात राधा स्वामी पंथ के प्रवर्तक का ये है जीवन चरित्र। राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी साहेब जीवन चरित्र। स्वामी जी महाराज लेखक हैं लाला प्रताप सिंह सेठ उर्फ चाचा जी साहब, ये श्री शिवदयाल जी के छोटे भाई थे जो इसके जीवन चरित्र को लिखने वाले। प्रकाशक हैं राधा स्वामी ट्रस्ट स्वामी बाग आगरा से। और ये कहाँ से छपी है? ये हैं श्री शिवदयाल जी, इनके परम धनी, इनके भी दर्शन कर लो। राधा स्वामी ट्रस्ट स्वामी बाग आगरा से ये छपी है। मुद्रक हैं अर्पण प्रिंटरी, राधा स्वामी चैम्बर्स भालेज रोड आनंद। इनके विषय में क्या लिखा है? परम पुरुष पूर्ण धनी हजूर स्वामी जी महाराज, ये पूर्ण धनी कहे जाते हैं इनके शब्दों। अब इन्होंने इनके विषय में क्या लिखा कि इनका कोई गुरु नहीं था, ये देखिएगा। और गुरु क्यों नहीं था, लिपा पोती करते हुए इन्होंने क्या किया है? जीवन चरित्र स्वामी जी महाराज का पृष्ठ 27 पर इन्होंने, लेखक ने ये थोड़ी सी भूमिका बनाई है, क्योंकि अनामी पुरुष या मालिक कुल में सर्वशक्ति और ताकत है और कुल का भंडार है, और इसकी कुदरत से रचना का सब काम चल रहा है, और जो परम संत वहां से आते हैं वे भी वही ताकत और समर्थता लेकर आते हैं, तो उनमें और अनामी पुरुष में कुछ जरा भी फर्क नहीं होता है। तो जब इस संसार में जीवों के उपकार के वास्ते अनामी पुरुष या परम संत आनकर प्रकट होते हैं, तो उनसे बड़ा संसार में कोई नहीं होता, तो वे किसी को गुरु नहीं बना सकते हैं। इसी वजह से अब 28 पृष्ठ पर, इसी वजह से स्वामी जी महाराज का कोई गुरु नहीं था और न किसी से उन्होंने परमार्थ का उपदेश लिया। अपुण्य आत्माओं ये इसके इस भूमिका में क्या बनाना चाहते हैं कि ये परम शक्ति थे और ये अनामी पुरुष का ही अवतार थे, उन्हीं जितनी शक्ति वाले थे, इसलिए इनको गुरु बनाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। पुण्यात्माओं किसी भी महापुरुष की आप जीवनी देखें, सभी महापुरुषों ने
गुरु धारण किए और सभी ने इस बात पर जोर दिया है कि गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल है चाहे पूछो वेद पुराण। ऐसे ही नानक साहिब जी ने गुरु की महिमा पर कलम तोड़ रखी है और नानक साहिब जी के भी गुरु थे। अपने आत्मा गुरु के बिना कोई भी कार्य सिद्ध नहीं होता। कभी परमात्मा कहते हैं राम कृष्ण से कौन बड़ो, उन्हों भी गुरु की ने, तीन लोक के वे धनी ही गुरु अग आधीन। नानक साहिब जी को भी गुरु मिले, कौन मिले? अब इस बात के ऊपर अभी तक पर्दा डला हुआ था कि श्री नानक साहिब जी के गुरु जी कौन थे। ये कल के सत्संग में आपको कंसेप्ट क्लियर कर दिया था और पहले भी पिछले सत्संग में भी आपको बताया था। अब प्रसंग जो चल रहा है हम उसी को आगे बढ़ाएंगे। श्री नानक साहिब जी ने अपने मैला पहला की वाणी में जो गुरु ग्रंथ साहिब के पृष्ठ नंबर 1342 पर अंकित है, उसमें क्या कहा है कि गुरु सेवा बिन भक्ति ना होई, अनेक जतन करो क्यों ना कोई, बिन सतगुरु बैठे मुक्ति ना होई। 946 पृष्ठ पे लिखा है, बिन सतगुरु बैठे मुक्ति ना होई और बिन सतगुरु भेटे महादुख पाई, नानक गुरु समान तीर्थ ने कोई, सच्चे गुरु गोपाल बिन सतगुरु सेवे जोग ना हुई, बिन सतगुरु भेटे मुक्ति ना हुई, बिन सतगुरु भेटे नाम न पाया जाई और बिन सतगुरु भेटे मां दुख पाई। प्रश्न नंबर 946 पर गुरु ग्रंथ साहिब में मैला पहला की वाणी है। बिन सतगुरु बैठे महागर्भ गुबार, नानक बिन गुरु मुआ जन्म हार है। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार सर। सर साहिब जी। सर क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम राजेंद्र दास है, गाँव बीबीपुर जिला कुरुक्षेत्र हरियाणा का रहने वाला हूँ। सर सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? सर मैंने ये 13 मई 2006 में नाम दीक्षा ली क्रोन था आश्रम में। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? सर मैं पहले बचपन से ही जैसे राधा स्वामी महाराज जी के सत्संग सुनने जाता था, वहाँ सेवा पे भी जाते थे, शिव जी महाराज जी को भी बहुत ज्यादा पूछता था मैं, शिव जी को अपने तरीके से, जैसे भी हम ऐसे ही भक्ति करते थे और झाड़ फूंक वालों के पास भी जाते रहते थे जैसे घर में कोई परेशानी होती थी, और हर तरह के जैसे भी जो संसारिक सेवा कर रहे हैं लोग हम भी वैसे ही देवी देवताओं की पूजा करते रहते थे जी। सर आपको संत रामपाल जी महाराज के बारे में जानकारी कहाँ से मिली? हमारे मामे का जमाई है, उन्होंने नाम लिस्ट लिया था, उन्होंने हमारे को बताया है भी ऐसे ऐसे करके संत रामपाल जी महाराज हैं, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा परेशान थे, इतने परेशान थे जी। जैसे मेरी शादी हुई, मेरी पत्नी प्रेगनेंट हुई वो, और 4 महीने प्रेगनेंट हुआ था तो तभी उसको मतलब ये गर्भपात हो गया। उसके बाद फिर से प्रेगनेंट हुई, फिर से जैसे 5-6 महीने से ही प्रेग्नेंट हुई थी वो, तभी से हमारे को बहुत ज़्यादा परेशानी होनी शुरू हो गई। जैसे भक्तमती को जैसे दांत ऐसे दांदन बढ़ जाती, बेहोश हो जाती वो 1 घंटे के लिए, तो ऐसे चलते चलते जी वो 2 घंटे के लिए बेहोश होने लग गई। दिन में 3 बार उसको दांदन पड़ने लग गई, दिन में ऐसे हो गया। आसपास वाले बताया गया हमारे को जैसे झाड़ फूंक वालों के पास ले जाओ, कहीं भी जैसे वहां गए सर, जैसे डॉक्टरों के पास गए वो बता देते थे बीपी हाई है लो है, झाड़ फूंक वाले अपना बता करते। ब्यास हम जामा दे जी, ब्यास हमारे को नाम नहीं मिला। उसके बाद हमने बाबा दिलेल सिंह की कुटी आया हमारे शाहबाद मारकंडा में ही, वहाँ से हमने नाम उपदेश लिया, वहाँ से हमारे को कोई फायदा ना हुआ। हमारे रिश्तेदारों ने जहाँ हमारे को भेजा अभी जैसे वहाँ जाओ, वहाँ से झाड़ लगा के आओ, उस महाराज के पास जाओ, वहाँ हम हर जगह घूमे, लेकिन इस बीमारी को कोई समाधान नहीं हुआ सर। उसके बाद फिर हमारे को ये हमारे मामे जी का जुआई है, उन्होंने हमारे को एक पुस्तक भी दी, ज्ञान गंगा पुस्तक संत रामपाल जी महाराज की, और हमारे को समझाया ऐसे ऐसे करके भी रामपाल जी महाराज की शरण में आ जाओ, हम बहुत दुखी थे और आप भी सुखी हो जाओगे क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा परेशानियाँ हैं।
तभी हम भक्त जी सुनते 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 हम धीरे धीरे हमने मतलब ये बनाया, अभी हम जाएंगे वहां पे। तब ये क्रंथा आश्रम गए 13 मई 2006 में, हमने संत रामपाल जी महाराज से हमने नाम दीक्षा ली। सर, ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़कर आप सतलोक आश्रम बरवाला गए और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली, तो क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको कोई लाभ भी प्राप्त हुए? सर, जैसे हमने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली और हमें बहुत ज्यादा लाभ प्राप्त हुए हैं। जैसे पत्नी को मेरी गर्भपात पहले हो गया था और फिर होने वाला था, क्योंकि वो बहुत परेशान थी। जैसे दिन में 2-3 बार बेहोश हो जाना और भी बहुत परेशानियां थी उसको। जैसे हमने नाम देख लिया, वो गर्भपात होना बंद हो गया बिल्कुल और लड़का नॉर्मल डिलीवरी में बिल्कुल ठीक हो गया। गुरु जी की शरण में गए थे तो संत रामपाल जी महाराज जेल में चले गए और हमने जैसे वहां से नाम देख ले ली थी और हमें जो लाभ हो गया था, जैसे भगत मती ये हमारी पत्नी जी ठीक हो गई। फिर हम धीरे धीरे मतलब ये हमारा विश्वास इतना गुरु जी में नहीं था, लेकिन लगता था कि हम नाम देश ले, हमने ले रखा है। नाम से हम थोड़ा बहुत जुड़े रहे, लेकिन एक तो भक्ति नहीं किया करते थे, गुरु जी के कोई नियम निभाया नहीं करते थे और ऐसे ही चलता रहा। तो मैं बीमार हूँ था शुरू से ही, बीमार होने से मैं दवाई खाता रहा, मेरे को परेशानी बढ़ती गई। एक दिन मैंने टेस्ट कराया कुरुक्षेत्र में, तो मेरे को टीवी हो चुकी थी। टीवी होने से मैंने दवाई खानी शुरू की और मेरे को फिर टेस्ट होने से तो MDR टीवी 34 स्टेज की टीवी बन चुकी थी, जिसकी दवाई का कोर्स 2 साल खाना पड़ता है, मतलब दवाई 2 साल खानी पड़ती है और बहुत ही ज़्यादा हार्ड दवाई होती है वो। मेरी दवाई भी शुरू होगी तो मेरी पत्नी और मैं संत रामदास जी महाराज के सत्संग में गए। हमारे को भक्तों ने समझाया भी ऐसे ऐसे करके आप अच्छे से भक्ति करो और गुरु जी से प्रार्थना करो। हमने गुरु जी से प्रार्थना की और भक्तमती ने भी प्रार्थना की। भक्तमती को और मेरे को संत रामपाल जी महाराज बोले भी बेटा आप मर्यादा में रह के भक्ति करो और परमात्मा सब ठीक कर देंगे, आप मर्यादा तोड़ रहे हो। तब से संत रामपाल जी महाराज ने आशीर्वाद दिया और तब से हम गुरु जी के अनुसार जितना हो सका हम भक्ति करनी शुरू की हमने। और मालिक की दया से टीवी का जो कोर्स था 2 साल चलना था और इतनी वो तेज दवाई थी जैसे कि डंगरों को देते हैं जो, वो मैं खाता रहा। कुछ दिन मैंने सिर्फ भी वो 1.5-2 महीने ही खाई और मालिक की दया से ठीक होना शुरू हो गया। और बीमारी और इतनी परेशानी थी कि लैटरिन बाथरूम भी दीवार पकड़ पकड़ के जाना पड़ता था और हर समय खांसी बुखार, इतनी बहुत बुरी हालत थी, यानी कि आर्थिक स्थिति भी इतनी बहुत कमज़ोर हो गई थी। तब धीरे धीरे मालिक की दया से 1.5-2 महीने में ही आर्थिक स्थिति भी ठीक होती गई और संत रामपाल जी महाराज की दया से बीमारी भी कंट्रोल होती गई। जिस दिन मैं 5 दिन बाद मैं कुरुक्षेत्र में आया, हमारा डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, मैं अपनी दोबारा दवाई लेने आया, डॉक्टर ने बोल दिया मेरे को भी 32 बंदों की तुम्हारी दवाई चल रही थी और एक उनमें से मर चुका है और अब आप 31 रह गए, दवाई अच्छे तरीके से खाना। फिर मैंने अंदरों अंदर मालिक से प्रार्थना की, संत रामपाल जी महाराज से प्रार्थना की और मैं संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में फिर 10-15 दिन बाद गया और मालिक से फिर मैंने हाथ जोड़ के प्रार्थना की। गुरु जी बोला भी बेटे मर्यादा में रहते रहो, ये दवाई भी छूट जाएगी। मालिक की दया से मैंने दो साल दवाई का कोर्स नहीं करना पड़ा और डॉक्टरों ने बीच में ही मेरे को बोल दिया भी आप बिल्कुल ही ठीक हो। 2 बार मैं टेस्ट करा गया सर चंडीगढ़ में, उन्होंने बोल दिया भी बिल्कुल आपकी बीमारी साफ हो चुकी है, लेकिन दवाई तो खानी पड़ेगी 2 साल का कोर्स। लेकिन मैंने 2 साल का कोर्स नहीं किया। संत रामपाल जी महाराज ने बीच में ही दवाई बिल्कुल बंद हो गई, मालिक ने बोला तो कुछ नहीं, लेकिन मैंने दवाई छोड़ दी और मैं बिल्कुल ही ठीक रहने लग गया इस बीमारी से। और संत रामपाल जी महाराज की दया से मेरी टीवी की बीमारी बिल्कुल ठीक हो चुकी है। सर, ये चंडीगढ़ की रिपोर्ट है हॉस्पिटल की 32 सेक्टर की PGI की और इसमें आपको मैं दिखाना चाहूँगा सर, पहले आप ये इसको देख लीजिए। सर, ये जो मेरा ये इंसान दिए हैं देखो सर आप, ये जो मेरा फेफड़ा है सर ये 20% रह चुका था ये वाला और ये पूरा 100% खत्म हो चुका था ये सर। सर, मेरी आज ये संत रामपाल जी महाराज की दया से टीवी की बीमारी बिल्कुल ठीक है, आज मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूँ। और दूसरा मैं ये अपना ही शारीरिक लाभ बताना चाहूँगा। एक बार क्या हुआ कि मेरे को घर में बैठे बैठे ही अंदर बेड पर लेटा था, मेरे को अटैक की शिकायत हुई, अटैक आया मेरे को, मेरे सीने में पूरा दर्द होने लग गया, पूरा ही सीने में दर्द हो गया, मेरा शरीर पसीने से पूरा भीग गया और मेरी पत्नी भी वहीं घर पर थी, वो रसोई में काम कर रही थी, लेकिन मैंने उसको कुछ नहीं बोला।
मैंने संत रामपाल जी महाराज का नाम लिया हुआ था, मैं सतनाम का सिमरन करने लग गया जी। सतनाम का सिमरन करते करते कभी अंदर कभी बाहर कभी बेड पे लेट गया, मैंने किसी को कुछ नहीं बताया। और संत रामपाल जी महाराज की दया से मैं कुछ ही देर में बिल्कुल स्वस्थ हो गया। उसके बाद मैंने पास वाले डॉक्टर को और शहर में मैं दब गया, मैं उसको डॉक्टर को भी बताया भी मैं मेरे को ऐसे ऐसे सीने में पूरा दर्द हुआ था और मेरा शरीर जो पसीने से पूरा भीग गया था, ये क्या था। उन्होंने बोला भी ये अटैक किस कैद थी तेरे को, पहले हुआ। मैं नहीं जी, पहले तो कभी नहीं हुआ। और मैंने उसको बोला भी मेरे को ये ऐसा ही 10 मिनट के अंदर 2 बार हुआ मेरे को। वो कह रहा भी तेरे को तो बहुत ज़्यादा अटैक हो गया था और ऐसे से तो तेरे को मर जाना था, लेकिन संत रामपाल जी महाराज की दया से मैं दूसरी बार बचा। तीसरी बार मैं एक DI गाड़ी में जा रहा था जिसके दरवाजे ऐसे पीछे से खुलते थे, मैं उसके बीच में बैठा था। उसमें और भी काफ़ी लोग थे लेकिन जगह कम होने की वजह से मैं दरवाजे में बैठ गया। बिल्कुल दरवाजे में बैठ गया तो ऐसे वो खिड़की खुल गई और गाड़ी है जो DI वो 80 की स्पीड चल रही थी, और मैं खिड़की खुलने से ना मैं पूरा इतना बाहर चला गया सर। इतना बाहर जाने से मैं मालिक की दया से, मालिक ने जैसे मेरे को परमात्मा ने रोक लिया और संत रामपाल जी महाराज का मैं तुरंत ध्यान करने लग गया। मालिक ने मेरे को तुरंत उन्होंने आसपास वालों ने फिर पकड़ के मेरे को अंदर लिया और कम से कम मैं आधा पौना मिनट ये गाड़ी से बाहर रहा सर। और ये मालिक की दया हुई कि मेरे को तीसरी बार मालिक ने जीवन दान दिया। पहले मैं TV की बीमारी से बचाया मालिक ने, फिर अटैक की बीमारी से बचाया, फिर मैं DI गाड़ी से जैसे गिरने लगा संत रामपाल जी महाराज ने तब मेरे को बचाया। और सर मैं अपनी नानी जी के बारे में बताना चाहता हूँ। हमने हमारी नानी जी को नाम देश दिलवाया। उनको क्या था जी, वो शुरू से मतलब जैसे उनको 11 बच्चे हुए जिनमें से 2 बच्चे हैं बाकी सब मर गए थे। उनको क्या होता था जी, जैसे वो चारपाई पे अपने लेटती थी शाम को, जैसे 3-4 बच्चे वो बिना कपड़ों से आते छोटे छोटे 3-3, 4-4 वर्ष के, और आके उसकी मतलब अरजाई में या उसके बिस्तर में घुस जाते और वो डर जाती क्योंकि वो किसी और को दिखाई नहीं देते, उसी को देते थे। वो मेरी मम्मी को चिपके रहती थी, उसको नींद आनी बंद हो गई। तभी हमने उसको संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में बरवाड़ा लेके गए, वहाँ से हमने उसको नाम दिलवाया। और उसी दिन उसने सत्संग सुनते सुनते नींद आ गई। पहले वो 6-7 दिन से लगातार सोई नहीं थी और ये समस्या उसको 25-30 साल से थी क्योंकि जब उसके बच्चे मरे थे तभी से उसको ये परेशानी होनी शुरू हो गई थी। हमने घर भी बदल लिए, पहले दूसरे घरों में रहते थे, अब उसने दूसरे घर में आ गए थे तब भी उसको परेशानी थी। और ये संत रामपाल जी महाराज की दया से उन्होंने सिर्फ नाम लिया और वो ठीक हो गई बिल्कुल। हमारे को ये चौथा लाभ हुआ। और मालिक ने बहुत लाभ दिए हैं, जैसे मोटरसाइकिल लाए संत रामपाल जी महाराज की दया से, नकद कैश लेके आए हम। पहले हम साइकिल नहीं ले पाते थे, संत रामपाल जी महाराज की दया से हमने एक दुकान बनाई है नहरी की, जो हम कल्पना भी नहीं कर सकते थे पहले कभी। मालिक की दया से, संत रामपाल जी महाराज की दया से हमें बहुत लाभ हुए हैं जी। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए, तो जो श्रद्धालु आज आपको देख रहा है आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? सर मैं उनसे सभी श्रद्धालुओं से हाथ जोड़ के प्रार्थना करना चाहूंगा कि संत रामपाल जी महाराज का सत्संग आता है साधना चंद्र पे 7:30 से 8:30 बजे तक, और भी चैनलों पर आता है। वो संत रामपाल जी महाराज का सत्संग देखें, अपना सोच विचार करें, ये निश्चलम बार बार नहीं मिलता। और सत्संग देखने के बाद अगर आपके मन में आता है कि नाम लिया जाए तो संत रामपाल जी महाराज से नाम लो और मालिक की दया से अपना कल्याण करो भगत जी। धन्यवाद सर। सत साहेब जी।